गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कांग्रेस में युवा चेहरों को आगे नहीं आने देंगे। भारत बंद को लेकर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है, कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी और जनता से सैनिक वेलफेयर के लिए फंड डोनेट करने की अपील की। उन्होंने कहा जो भी फंड इकट्ठा होगा वह सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए रहेगा। बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के कुनबे में भगदड़ है, बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आज ब्रिगेडियर साहब आए थे, झंडा दिवस जिसके नाम से अपन सशस्त्र सेना का हमारे का झंडा दिवस के रूप में है, देश की सेवा में सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाली शुभकामनाओं के साथ में मैं प्रदेश की जनता से अपील भी करूंगा, जो सहयोग वो कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है बैल हमारी शहीदों के परिवार जो है उन परिवार के लोगों के वेलफेयर में जाता है, उनके कल्याण में जाता है। तो आओ आज इस झंडा दिवस पर हम इन सबका सहयोग भी करें और इस पुनीत काम में आगे बढ़कर हिस्सा भी लें। परिवहन के बाद वन मंत्री हैं आप, देखिए धीरे धीरे श्रृंखला मिलेगी आपको और ये पूरी श्रृंखला ममता दीदी की सरकार को तहस नहस कर देगी। उनके कुनबे में भगदड़ है, उनके कुनबे में भगदड़ है, जो इस बात का द्योतक है कि अब ये ज्यादा चलने वाली सरकार नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रेजेंट बहुमत में भाजपा जीतेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।